फिल्म की शुरुआत में हम एक जूनियर फिल्म आर्टिस्ट सेरू को देखते हैं। सेरू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने मुंबई आया था, पर जल्दी ही उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई। अब जूनियर आर्टिस्ट होने की वजह से उसे कभी कभार ही कोई छोटा मोटा रोल मिल पाता, इसीलिए सेरू ने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स की रात रंगीन करवाने के लिए उनके घर रशियंस और इटालियंस पहुँचाने का पार्ट टाइम काम भी शुरू कर दिया। वैसे सेरू की एक रशियन क्रश भी थी जिस पर उसका दिल आ गया था, पर जैसे ही उस रशियन को मार्केट से ज्यादा यानी 6 की जगह 12,000 रुपए वाला कस्टमर मिला, वैसे ही उसने सेरू को पहचानने तक से इनकार कर दिया। एक शाम सेरू के घर में कुछ लोग घुस आते हैं और उसकी जम के पिटाई करना शुरू कर देते हैं। दरअसल सेरू ने उन लोगों से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो भी फिल्म बनाने के लिए। सेरू को पता था कि अगर आज उसने उन लोगों के पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग उसका भजिया बना देंगे, इसलिए सेरू पैसों के बदले अपने झोपड़े जैसे घर के कागजात उन लोगों के पास गिरवी रख देता है। उन लोगों के जाने के बाद उदास सेरू चला हिलाने, लेकिन तभी उसे उसके भाई का कॉल है, जिससे सेरू को पता चलता है कि उसके भाई ने उसका निकाह तय कर दिया है। पहले तो सेरू निकाह करने से साफ साफ इनकार कर देता है, पर जैसे ही उसे व्हाट्सएप पर लड़की की फोटो रिसीव होती है, वैसे ही वो अपने होम टाउन भोपाल जाने के लिए पहली ही गाड़ी से रवाना हो जाता है। भोपाल पहुंचते ही सेरू की मुलाकात लड़की के परिवार वालों से होती है। लड़की के पिता सेरू को निकाह के बदले 10 लाख रुपए दहेज में देने की बात भी करते हैं। तभी पीछे से सेरू की होने वाले बीवी यानी कि टीकू की एंट्री होती है। सेरू की आंखें तो पहले से ही टीकू की फोटो देखकर चौंधिया गई थी, पर जैसे ही टीकू सेरू को देखती है वैसे ही वो उसके साथ निकाह करने से साफ साफ इनकार कर देती है। इसके बाद टीकू तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी को कॉल लगाकर उसे सारी राम कहानी सुनाती है। बिन्नी जो कि मुंबई में ही रहता था, वो टीकू को समझाते हुए कहता है कि देखो सेरू मुंबई में रहता है और मैं भी, तुम बस उसके साथ निकाह करके मुंबई चले आओ, उसके बाद मैं यहाँ तुम्हें बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर से मिलवाऊंगा और तुम्हारी लाइफ भी सेट करवा दूंगा। अब क्योंकि टीकू भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी, इसलिए वो सेरू से निकाह करने के लिए राजी हो जाती है, ताकि निकाह के बाद वो सेरू के साथ मुंबई जा सके। देखते ही देखते एक गाने के खत्म होते होते दोनों का निकाह भी हो जाता है, पर सुहाग रात की रात टीकू सेरू को उसके साथ ये बोलकर करने नहीं देती है कि उसे पीरियड्स है। अब KLPD होने के बाद उदास सेरू चला हिलाने। कुछ दिनों बाद दोनों मुंबई जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। वैसे टीकू के भाई को ये समझ नहीं आ रहा था कि टीकू अचानक निकाह के लिए राजी कैसे हो गई। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था, इसलिए उसने टीकू के साथ उसकी बहन सना को भी उस पर नजर रखने के लिए मुंबई भेज दिया था। मुंबई पहुंचकर सेरू टीकू और सना को अपने झोंपड़े जैसे घर में ले जाता है। टीकू के पूछने पर सेरू कहता है कि उसने शाहरुख खान के बंगले के बगल में एक फ्लैट लिया है। अभी 1-2 महीने में जब उस फ्लैट का काम कंप्लीट हो जाएगा तब वो सभी वहां जाकर रहने लगेंगे। तभी टीकू को उल्टी आने लगती है। उधर सेरू ने दहेज में मिले पैसों से अपना सारा कर्ज भी चुका दिया था। एक शाम जब सेरू टीकू के लिए चिकन तंदूरी और हाथों में एक फूल का खूबसूरत सा गुलदस्ता लिए अपने घर पहुंचता है, तब उसे सना से पता चलता है कि उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई है। यह सुनते ही सेरू का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो तुरंत सना को लेकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने पहुंचता है। उधर सना रेलवे स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी से मिलती है और उसे उस रात कंडोम ना यूज करने के लिए खूब खरी खोटी सुनाती है। बिन्नी को जब टीकू की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। वो टीकू को अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि वो एक शादीशुदा है, प्लस उसका एक बच्चा भी है। बिन्नी के मुंह से ये सब सुनकर टीकू की आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। इधर बीवी के छोड़ के चले जाने के गम में सेरू पैक बना रहा होता है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बीवी यानी कि टीकू मिल गई है, जो कि इस वक्त एक अस्पताल में भर्ती है। सेरू ऑटो वाले को 100-200 एक्स्ट्रा देकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसे डॉक्टर से टीकू की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। एक तो वैसे ही उस रात पीरियड्स का बहाना बनाकर टीकू ने सेरू का KLPD कर दिया था, और अब ऊपर से ये एक और सरप्राइज। सेरू उसी वक्त टीकू को अगली सुबह भोपाल वापस भेजने के लिए उसके अब्बा को कॉल लगाता है। अब इससे पहले कि सेरू अपने ससुर को टीकू की सच्चाई बता पाता, टीकू सेरू से उसका फोन छीनकर किसी तरह बात को घुमाने में सफल हो जाती है। वैसे टीकू ने सेरू को सारी सच्चाई बता तो दी थी, पर प्यार में मिले धोखे की वजह से अब सेरू ने टीकू से बोलना चलना बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं टीकू को भी अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। उधर सेरू भी ज्यादा दिनों तक टीकू से नाराज नहीं रह पाता और आखिरकार वो टीकू को माफ करके उसके होने वाले बच्चे को अपनाने के लिए भी राजी हो जाता है। एक दिन सेरू फिल्म सेट पर एक इटालियन मॉडल की इटालियन ड्रेस चुरा कर उसे टीकू के लिए घर ले आता है और टीकू से कहता है कि उसने ये 1.5 लाख की इटालियन ड्रेस खास टीकू के लिए ही इटली से मंगवाई है।
टीकू जब उस ड्रेस को पहनकर कमरे से बाहर आती है तब शेरू का शेर उसे देखकर दहाड़ने लगता है। फिर दोनों छोले भटूरे खाने एक 5-स्टार होटल में जाते हैं जिसकी पेमेंट शेरू शायद EMI से करने वाला था। डिनर करते वक्त जब टीकू शेरू से उसके बिजनेस के बारे में पूछती है तब शेरू बिना इधर उधर देखे धराधर फेंकना शुरू करता है। वो टीकू से कहता है कि पैसे से वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है और आए दिन शाहरुख सलमान उसके यहाँ काम मांगने आते रहते हैं। टीकू ये सब सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और शेरू से उसे किसी दिन अक्षय कुमार से मिलवाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। शेरू हामी तो भर देता है पर अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि यार कहीं मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं फेंक दिया। टीकू शेरू से यह भी कहती है कि भले ही वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है पर उसे गरीबी से सख्त नफरत है। उसे बात बात के लिए पैसे बचाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि उसका निकाह शेरू से हो गया जो कि एक फिल्म प्रोड्यूसर है। यह सुनकर शेरू की हवा निकल जाती है। उसे पता था कि अगर उसे टीकू को खुश रखना है तो उसे दबाकर पैसे भी कमाने होंगे, इसलिए वो 2 नंबर का धंधा करना शुरू कर देता है। अब 2 नंबर वाले धंधे में भले ही शेरू ने जमकर पैसे कमाए पर एक न एक दिन सबका नंबर आता ही है। वैसे ही एक दिन शेरू का नंबर भी लग ही जाता है और पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। उधर टीकू को बच्चा भी हो गया था पर अब तक उसे शेरू की गिरफ्तारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। एक दिन टीकू अपने बच्चे को साथ लिए शेरू के दोस्त आनंद से मिलती है और तब उसे शेरू की सारी असलियत का पता चल जाता है। वो तुरंत शेरू से मिलने थाने जाती है और उसे जमकर सुनाती है। अब टीकू समझ चुकी थी कि अगर उसे मुंबई में अपना और अपने बच्चे का गुजारा करना है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इसलिए वो काम ढूंढने एक फिल्म की शूटिंग सेट पर पहुंचती है पर वहां गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर घुसने भी नहीं देता। तभी वहाँ टीकू की मुलाकात रजा नाम के फिल्म प्रोड्यूसर से होती है। रजा टीकू से पहले भी मिल चुका था जब एक बार शेरू उसे फिल्म सेट पर घुमाने वहाँ लेकर आया था। रजा टीकू से अगली सुबह उसके ऑफिस में आने के लिए कहता है। टीकू जब अगली सुबह रजा से मिलती है तब रजा उसे अपनी अगली फिल्म में लेने का ऑफर देता है, लेकिन उसके लिए टीकू को रजा के एक दोस्त को खुश करना पड़ेगा। पहले तो टीकू रजा की बात मानने से साफ साफ इनकार कर देती है पर उसकी भी कई सारी मजबूरियां थी जिसके बोझ तले दबकर टीकू रजा की बात मान लेती है और उसके कहे अनुसार तैयार होकर उसके दोस्त के घर सेक्रीफाइस करने पहुंच जाती है। लेकिन अगली ही सुबह टीकू को पता चलता है कि रजा ने उसे धोखा देते हुए उसका फायदा उठाया है। वो तुरंत रजा से मिलने उसके ऑफिस जाती है पर अब काम हो जाने के बाद रजा के तेवर बिल्कुल ही बदल चुके थे। वो टीकू से सीधी मुंह बात भी नहीं करता और उसे धक्के मारकर खुद से दूर कर देता है। उधर सना ने अपने अब्बू को सब कुछ बता दिया था जिसके बाद सना अपने भाई के साथ टीकू के बच्चे को लेकर वापस भोपाल चली गई, जिसके बाद टीकू बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसे अब शेरू की याद आने लगी। वो सोचने लगी कि शेरू ने जो कुछ भी किया उसे खुश रखने के लिए ही तो किया था। आज अगर शेरू की जगह कोई और होता तो क्या वो टीकू और उसके बच्चे को अपना नाम देता? अब कोई और चारा ना बचा देख टीकू शेरू को जेल से बाहर निकलवाने के लिए शेरू के बॉस रिजवी साहब से मिलने उनके पास जाती है। रिजवी साहब टीकू से कहते हैं कि वो शेरू को जेल से बाहर तो निकलवा देंगे पर उसके बदले टीकू को उस रात पार्टी में आने वाले मेहमानों को खुश करना पड़ेगा। बेचारे टीकू के पास अब रिजवी साहब की बातों को मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उधर आनंद जो कि रिजवी साहब के लिए काम करता था वो शेरू के जेल से निकलते ही उससे मिलता है और उसे सारी कहानी विस्तार से सुनाता है। आनंद की बात सुनकर शेरू को टीकू के लिए बहुत ही बुरा लगता है। आखिर ये सब उसकी वजह से ही तो हो रहा था। अगर वो टीकू के सामने लंबी चोरी नहीं फेंकता तो आज उसे जेल नहीं जाना पड़ता। अगर वो जेल नहीं जाता तो आज टीकू को औरों के सामने अपने घुटने नहीं टेकने पड़ते। शेरू रजा और रिजवी साहब से बदला लेने की ठान लेता है। आनंद भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। फिर पार्टी वाली रात को जब टीकू रिजवी साहब और उनके मेहमानों को अपने जलवे दिखा रही थी तभी आनंद मेन लाइन काट देता है और अंधेरे का फायदा उठाते हुए शेरू और आनंद पार्टी में मौजूद रिजवी साहब और उनके सभी मेहमानों को गोलियों से भून डालता है। इस गोलीबारी में रजा भी नहीं बच पाता। शेरू भी टीकू को अपने साथ लेकर चुपके से वहां से कट लेता है और भगवान का शुक्र है कि यह बेहुदा फिल्म यहीं पर किसी तरह समाप्त हो जाती है।